हमने अभी क्या किया कि अगर करंट कैरिंग लूप है और करंट कैरिंग लूप का अगर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा, करंट इनटू एरिया। और अगर वेक्टर फॉर्म में कैपिटल एम की डायरेक्शन पूछ लें तो करंट की के साथ चार फिंगर, तो कैपिटल एम कहाँ होगा, ऊपर। ये रूल क्लियर है। अब याद करो, हमने करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखा था जब गैल्वेनोमीटर बनाया था हमने, तो उसने क्या एक्सपीरियंस किया था, टॉर्क। टॉर्क कितना, एन बी आई ए साइन अल्फा। और साइन का फॉर्मूला कब लगता था, जब एंगल किस में गिवन है, बी में और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में, बी में मैग्नेटिक फील्ड में और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में, ऐसा ही था। तो ये टॉर्क है, अगर एन वन टर्न है तो एन इक्वल टू वन। हमने अपने न्यूमेरिकल जो किए थे टॉर्क के, अगर आपको याद हो, हमने स्केलर में किए थे, हम डायरेक्शन की बात ही नहीं की थी टॉर्क की उस टाइम। हमने टॉर्क का एक्सप्रेशन किया, न्यूमेरिकल किया, और ये फॉर्मूले के ऊपर काम कर चुके हम। पर आज फिर से वही टॉपिक करेंगे टॉर्क का, फिर करेंगे सेम क्वेश्चन, लेकिन इस बार डायरेक्शंस के ऊपर काम करेंगे। क्यों, उस दिन हम क्यों नहीं कर पाए डायरेक्शन में काम, आज क्यों करेंगे, क्योंकि करंट इनटू एरिया क्या होता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो टॉर्क का मॉडिफाइड फॉर्मूला हमने ये याद किया हुआ है, कैपिटल एम की फॉर्म में ये आ गया। अब कैपिटल एम एंड बी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड साइन लगा हुआ है, तो एम क्रॉस बी, क्योंकि हमने वेक्टर रिप्रेजेंटेशन टॉर्क की ही नहीं थी, वो आज हमने पहली बार की है। हमने स्केलर में काम कर दिया था, ये न्यूमेरिकल कर दिए थे, पर वेक्टर नहीं किया था, आज हम वेक्टर से करेंगे। क्लियर है यहां तक? तो टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या होगा, जब एक करंट कैरिंग कॉइल इज लाइंग इन मैग्नेटिक फील्ड, तो टॉर्क क्या बनेगा, एम क्रॉस बी। एम की जगह कई बुक्स क्या लिखती हैं, म्यू ए की बात है, ठीक है यहां तक। इसके बेस पे ये पहला क्वेश्चन है, क्या अगर आपको बी की वैल्यू गिवन है 0.3 टेस्ला अलोंग पॉजिटिव जेड, ये रहा पॉजिटिव जेड, रेक्टेंगल ऑफ साइड गिवन है 10 × 5, आप एरिया तो निकाल ही सकते हो 10 × 5 से मीटर में कन्वर्ट करके, कैरिंग अ करंट ऑफ आई बी पता है, क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है। बोलो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, एम क्रॉस बी, अगर वेक्टर फॉर्म में निकालना है टॉर्क, एम क्रॉस बी। एम क्या होता है, करंट इंटू एरिया, करंट पता है आपको, एरिया आप निकाल लोगे, करंट इंटू एरिया कैपिटल एम आ गया। डायरेक्शन बोलो कैपिटल एम की क्या होगी, चार फिंगर करंट के साथ, तो बी थंब का आएगा बाहर, बाहर का मतलब कौन सा एक्सिस है, एक्स। तो कैपिटल एम के पीछे, कैपिटल एम या म्यू ले लो एक ही बात है, म्यू वेक्टर कैपिटल एम एक ही बात है, करंट इनटू एरिया, एरिया आपने निकाल लिया, करंट आपको पता है, कौन सा कैप आएगा, आई कैप। ये स्टेप समझ में आया, आई कैप क्यों आएगा, क्योंकि करंट ऐसे घूम रहा है तो थंब कहां आएगा, बाहर, बाहर कौन सा कैप है, एक्स एक्सिस का मतलब आई कैप। तो म्यू वेक्टर आ गया, और इसमें बी वेक्टर ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, मल्टीप्लाई करें आई क्रॉस जे क्या होता है, माइनस जे, ऐसे लिखना है आंसर वेक्टर फॉर्म में, हमने स्केलर किया था, ये वेक्टर चल रहा है। क्लियर है यहां तक? फिर सेकंड फिगर देखो, सेम आंसर, सेम फिगर है, इस बार ओरिएंटेशन अलग है, जेड वाई प्लेन में। बोलो इसमें कैपिटल एम बोलो कहां होगा, चार फिंगर करंट के साथ, बी कहां है, बाहर, बाहर क्या है, एक्स। तो म्यू वेक्टर तो सेम रहेगा लेकिन पीछे आई कैप, फिर बी वेक्टर आपको स्टैंडर्ड पता ही है, तो फिर से फॉर्मूला म्यू क्रॉस बी, तो आई क्रॉस के क्या होगा, माइनस जे। ये भी क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट है, ये आपके सामने फिगर है, इस फिगर में ये कुछ डायग्राम ऐसा है कि आपका जो लूप है वो ऐसे पड़ा हुआ है बाहर, ऐसे। तो अगर ऐसे पड़ा हुआ है और करंट ऐसे घूम रहा है, तो अगर करंट ऐसे घूम रहा है तो बी म्यू वेक्टर कहाँ होगा, इस तरफ, उस तरफ, उस तरफ का मतलब माइनस जे कैप, माइनस जे कैप। बी वेक्टर आपको ऑलरेडी पता है, तो फिर माइनस जे क्रॉस के क्या होता है, माइनस। तो स्टेप समझ में आ रहा है कि कैसे आपने म्यू वेक्टर लेना है और क्रॉस बी वेक्टर कर देना है, ठीक। जैसे एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल है 3 × 4 एरिया, हैविंग 100 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 100 है, इस प्लेस अलोंग जेड एक्सिस। तो ये फिगर ना अगले से अगले पेज पे बनी हुई है, गलती से पेज शफल हो गया, तो ये यहां पे है, कंटिन्यू। तो ये जेड एक्सिस के अलोंग है, ये देखो जेड एक्सिस के अलोंग ये फिगर है, इसके अंदर करंट पता है, बी पता है, और बी कहां पर है, वाई एक्सिस में। क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है इसमें, जब कॉइल ने एंगल कितना बनाया, 37 डिग्री। फिगर से समझा देता हूं, ये देखो, ये क्वेश्चन ऐसे है कि इस क्वेश्चन में बी वेक्टर कहां पर है, जे कैप। तो बी वेक्टर मेरी तरफ है, ये मैंने ले लिया बी वेक्टर, ये देखो बी वेक्टर,
ले लिया, आपका लूप ने 37 डिग्री एंगल बनाया, लेकिन चलो बाद में बात करते हैं। आप मुझे ये बताओ, अगर आपका लूप ऐसे है, स्ट्रेट ऐसे बाहर की तरफ है, तो इसका एरिया वेक्टर कहां बनेगा? या ऐसे या ऐसे, कुछ भी, डिपेंडिंग किसके ऊपर, करंट कैसे घूम रहा है। अब करंट कैसे घूम रहे, करंट इसमें बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है, तो करंट इसमें बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है, तो ऐसे घूम रहे, ऐसे घूम रहे, तो अगर करंट ऐसे घूम रहे तो म्यू वेक्टर कैसे होगा, ऐसे होगा, एरिया वेक्टर भी कैसे होगा, ऐसे होगा, कोई डाउट इसमें? तो मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर करंट इसमें ऐसे घूम रहे है ना, ऐसे घूम रहे ऐसे, तो एरिया वेक्टर कहां है, ये रहा, ठीक है, या म्यू वेक्टर कहां है, चलो ये रहा, बी वेक्टर कहां है, राइट है, तो बताओ बी वेक्टर में एंड म्यू वेक्टर में एंगल कितना है, 180, क्लियर है। टॉर्क क्या होगा, म्यू म्यू क्रॉस बी हो जाएगा सॉल्व। अब मैंने क्या किया, ध्यान से देखना, ये बी ऐसे ही है, एरिया वेक्टर ये रहा, एरिया वेक्टर ऐसे है, मैंने इस कॉइल को घुमा दिया, टर्न कर दिया 37 डिग्री, तो इसका एरिया वेक्टर भी घूम गया, बी नहीं घूमा, बी वहीं पर है, एरिया वेक्टर घूम गया बाय 37, पहले ऐसे था ना, ऐसे घूम गया, 37 घूम गया। अब बी में और एरिया वेक्टर में एंगल बोलो कितना है, 180 माइनस 37, टोटल 180 था, ये 37 मुड़ गया, तो बचा कितना, 180 माइनस 37, कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहां तक? तो 180 माइनस 37, तो आप मुझे ये बताओ कि फिर टॉर्क क्या होगा, टॉर्क होगा एन भी स्केलर फॉर्म में करेंगे, वेक्टर इसलिए कर नहीं पा रहे क्योंकि डायरेक्शन पता नहीं आई कैप जे कैप में क्या होगा, एन बी आई ए यहां पे क्या आएगा, 180 माइनस, वो अलग बात है कि साइन ऑफ 180 माइनस 37 इटसेल्फ वापस क्या देगा आपको, साइन 37 आंसर आ गया। तो एंगल का गेम समझ में आ गया, एंगल कैसे घुमाना है, ठीक है, बाकी इसमें कुछ नहीं करने वाला। अच्छा नेक्स्ट है, स्क्वायर लूप है, एक स्क्वायर लूप है जिसकी साइड एल है, कैरिंग अ करंट ऑफ आई, ये स्क्वायर लूप है, करंट ये रहा आई, इट इज प्लेस्ड एज शोन, फाइंड म्यू ऑफ अ लूप, भाई म्यू क्या होता है, करंट इनटू एरिया, पर ऑप्शन में ये वेक्टर फॉर्म में पूछेगा आपसे। अब देखो ना, अगर स्केलर होता क्या मजेदार चीज थी, करंट को एरिया से एल स्क्वायर से मल्टीप्लाई, आंसर आ गया, उसने किस में पूछना है, वेक्टर में, तो अगर उसने वेक्टर में पूछना है तो कैपिटल एम क्या चीज है, करंट इनटू एरिया या करंट इनटू एरिया वेक्टर, करंट आई है, एरिया वेक्टर कैसे निकलेगा ये इंपॉर्टेंट है। देखो एरिया वेक्टर लेंथ इनटू ब्रेथ तो कर नहीं पाएंगे, एरिया इज अ वेक्टर तो बीच में क्रॉस प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा लेंथ और ब्रेथ में, और लेंथ कौन सी लेनी है, ये देखो करंट यहां आ रहा है ए बी, फिर करंट नीचे जा रहा है, डायरेक्शन देखो ए बी क्रॉस बी सी, ए बी क्रॉस बी सी, तो पॉइंट समझ में आ रहा है। और पता है ऐसे क्यों लेते हैं, क्योंकि एरिया वेक्टर चार फिंगर घुमाओगे तो अंदर की तरफ आएगा, तो ऐसे लेना है ए बी क्रॉस बी सी, ए बी क्रॉस बी सी ऐसे, क्योंकि उल्टा ले लिया तो फिर सम बाहर आ जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता, क्लियर है। तो ए बी क्रॉस बी सी, अब ए बी क्या चीज है, लेंथ एल है, एंगल 30 है, तो एल कॉस 30, और एक कॉम्पोनेंट बाहर आ रहा है, अब बाहर कौन सा कैप है इसमें, जेड, तो एल साइन 30 के पीछे के कैप, तो देखो ए बी की जगह एल कॉस 30 आई कैप, एल साइन 30 के कैप, और बी सी तो बिल्कुल क्लियर है, नेगेटिव वाई एक्सिस है, यानी कि एल इंटू माइनस जे कैप, तो क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे अगर, आंसर आ गया, कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है। ये भी अलग क्वेश्चन है, म्यू एरिया वेक्टर को कैसे लेना है, ऐसा हमने किया नहीं कभी भी। अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे ये रहा, इस क्वेश्चन में आपको ये लूप गिवन है कुछ इस तरीके से, ये देखो ऐसे गिवन है, ये रहा, तो आपको इसमें कैपिटल एम निकालना है इस फिगर का, कैपिटल एम कैसे, देखो इसमें करंट ऐसे आ रहा है, इसमें ये रहा स्क्वायर लूप है ऐसे, तो स्क्वायर लूप है तो कैपिटल म्यू क्या होगा इसका, या एम क्या होगा, करंट इनटू एरिया, डायरेक्शन बताओ, ये करंट ऐसे आ रहा है तो बी कैसे होगा, पीछे इस तरफ होगा, करंट इनटू एरिया, एरिया कितना है, एल स्क्वायर आई इनटू एल स्क्वायर। अच्छा फिर नीचे, नीचे में करंट कैसे है, ऐसे है, तो अगर नीचे करंट ऐसे है, चार फिंगर ऐसे घुमाएंगे तो बी वेक्टर, म्यू वेक्टर कैसे होगा, नीचे, वैल्यू वही रहेगी करंट इनटू एरिया, डायरेक्शन नीचे, तो इसमें इधर, इसमें इधर, तो कैपिटल एम, कैपिटल एम में एंगल क्या बना, 90, तो जो नेट एम की वैल्यू निकलेगी इसमें, नेट एम की वैल्यू निकलेगी करंट इनटू एरिया, करंट इनटू एरिया का स्क्वायर का अंडर रूट,
ये समझ में आ रहा है कैपिटल एम कैसे निकलेगा, क्योंकि दो वेक्टर आपस में क्या आ रहे थे 90, एक नीचे आ रहा है और एक इधर आ रहा है, तो इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन नीचे है, तो एंगल क्या है दोनों में 90। इसको सॉल्व करेंगे तो रूट टू की फॉर्म में आंसर आएगा, दिस इज द आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है इसमें, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, आपको चार फिगर दे रहा है वो, ये आपको एन कैप है, एन कैप का मतलब एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर का मतलब म्यू वेक्टर, एक ही बात है, म्यू वेक्टर एम वेक्टर एक ही बात है, एरिया वेक्टर म्यू वेक्टर एम वेक्टर सब एक तरफ है। तो इसमें बी वेक्टर और म्यू वेक्टर में या कैपिटल एम वेक्टर में एंगल कितना है 180, इसमें बी और कैपिटल एम में एंगल कितना है 90, इसमें अगर ज्वाइन करेंगे तो बी और एम में एंगल ग्रेटर देन 90 और इसमें लेस देन 90, राइट। तो कह रहे हैं कि किसमें पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है और किसमें पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, माइनस एम बी कॉस थीटा। तो अगर यहां पर थीटा, थीटा किसके किसके बीच में, एम और बी के बीच में, तो एम और बी के बीच में एंगल 180, तो ये पोटेंशियल एनर्जी है, कॉस 180 माइनस 1 होता है। दूसरे केस में एंगल 90 है, 0 है। तीसरे केस में एंगल ग्रेटर देन 90 है, पॉजिटिव है। चौथे केस में लेस देन 90 है, नेगेटिव है। तो जिसमें नेगेटिव है और जिसमें पॉजिटिव है, ये आपको बताना है, तो फिगर मार्क कर देना कि किसमें नेगेटिव किसमें पॉजिटिव है। इसके बेस पे जैसे ये क्वेश्चन है, दो मैग्नेट्स हैं, दो मैग्नेट्स हैं, तो ये दो मैग्नेट्स जो हैं नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ गिवन है, हर एक मैग्नेट का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एम गिवन है, है ना, ये एम गिवन है। आपको नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालना है, क्या होगा, आप मुझे एक बात बताओ, इस मैग्नेट का डायपोल मोमेंट कहां होगा, साउथ से नॉर्थ। तो ये पॉइंट क्लियर है, तो ये कैपिटल एम इधर आ गया, इसका कहां होगा, साउथ से नॉर्थ, कैपिटल एम इधर आ गया, दोनों के बीच में एंगल क्या बनेगा 120, 60 नहीं 60, तो मैग्नेट के बीच में एंगल है, अपने को तो वेक्टर के बीच में एंगल चाहिए, दो वेक्टर के बीच में एंगल 120, क्लियर है। तो आपके पास m की वैल्यू क्या आएगी, m स्क्वायर प्लस 2mm cos of 120, cos 120 क्या होता है माइनस आंसर। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे करना है। अच्छा, कभी कभी वो तीन मैग्नेट दे देगा, तीन मैग्नेट्स कैसे, एक दो और तीन 60 डिग्री पे। अच्छा ये बताओ, इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट साउथ से नॉर्थ, इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट साउथ से नॉर्थ, इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट साउथ से नॉर्थ, ये रहा। इकट्ठे तीन वेक्टर सॉल्व नहीं होंगे, दो दो करके होंगे, पहले इन दोनों को करते हैं, इन दोनों में एंगल कितना है 60, तो इनका वेक्टर सम लेंगे और नेट आंसर ऊपर आएगा, कैसे, अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर 2mm cos 60, सॉल्व करके क्या आएगा रूट 3m, तो इन दोनों को सॉल्व करके क्या आएगा रूट 3m। अब एक वेक्टर ये रहा और एक वेक्टर ये रहा, दोनों के बीच में एंगल क्या बनेगा 90। ये देखो फिर से, ये कैपिटल एम और कैपिटल एम, इनको सॉल्व करके रूट 3m, तो इन दोनों को सॉल्व करके नेट वेक्टर ऊपर बनेगा और इसका वेक्टर ये रहा m, तो इन दो वेक्टर में एंगल कितने है 90, तो एक वेक्टर ऊपर एक इधर, तो नेट वेक्टर निकाल लेना वेक्टर समान सर। तो कैसे सोचते हैं, समझ में आ रही है अभी। और ये लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ये गिवन है, मैं बोर्ड पे समझाता हूं क्वेश्चन भी सीधा। आपके पास एक बार मैग्नेट है, ठीक है, आपके पास एक बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट की जो लेंथ है वो 2L है ना, एक डायपोल है, स्ट्रेट है, और पोल स्ट्रेंथ पता नहीं कितनी है। क्वेश्चन है कि ये बार मैग्नेट का डायपोल मोमेंट कैपिटल एम गिवन है, गिवन है। अगर मैंने इस बार मैग्नेट को थोड़ा टेढ़ा कर दिया, टेढ़ा करके मैंने सेक्टर बना दिया कुछ इस तरीके से, एक सेक्टर बना दिया एट एन एंगल ऑफ 90, तो अब नॉर्थ एंड साउथ पोल स्ट्रेंथ आपको ऐसी दिखेगी, देख रहे हो। तो कह रहे हैं कि इसमें इसका नेट डायपोल मोमेंट क्या होगा नया, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक। रूल बड़ा सिंपल है, इन पोल स्ट्रेंथ के अंदर है ना, इन पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम और स्मॉल एम की डिस्प्लेसमेंट लेनी होती है। तो अगर ये आर है, ये आर है, तो ये पता है कितना है रूट 2R, तो यहां पर एम डैश पता है क्या बनेगा, स्मॉल एम इंटू कितना रूट 2R, कोई डाउट इसमें, एम डैश इक्वल टू स्मॉल एम इंटू रूट 2R, कोई डाउट, ठीक है। पर मेरे को मेरा आंसर पोल स्ट्रेंथ तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, तो एज्यूम कर रहा हूं मेरे को मेरा आंसर कैपिटल एम की फॉर्म में चाहिए। तो ये बताओ कि यहां पर कैपिटल एम है क्या, स्मॉल एम इंटू कितना
2L, मानते हो? ये रहा, और ये बताओ कि टोटल लेंथ कितनी है इसकी, 2L। वहां पर वो आर्क की लेंथ कितनी है, 2 पाई आर को किससे डिवाइड कर दें, 4, क्वाड्रेंट है ना, टोटल सर्कल 2 पाई आर है, क्वाड्रेंट की लेंथ क्या होती है, 2 पाई आर बाय 4, 2 से 2 कैंसिल, तो आर की वैल्यू क्या आएगी, 4L डिवाइडेड बाय पाई। तो इस आर को यहां पे पुट करते हैं, ये देखो, ये देखो, इस आर को यहां पुट करते हैं, 4L डिवाइडेड बाय पाई, ठीक है यहां तक? तो ये वैल्यू पुट कर दी मैंने। अब m, मुझे पता है कि m डैश की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, m इंटू 2L है ना, m इंटू 2L इंटू 2 इंटू रूट 2, ऐसे कर लें, डिवाइडेड बाय कितना, पाई। अब m इंटू 2L हमने क्या निकाला हुआ है, कैपिटल m, 2 रूट 2 बाय पाई इज द आंसर। तो कैसे सोचने समझ में आ रहा है कि पहले कैपिटल एम लिख लिया, फिर आर की वैल्यू निकाल ली, फिर पोल स्ट्रेंथ इंटू रूट टू आर कर लिया, एम डैश आ गया, स्मॉल एम आर, आर को एल की फॉर्म में लिखा, स्मॉल एम और टू एल को कैपिटल एम लिख दिया, एम डैश इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एम कैन बी कैलकुलेटेड।